हेलो जी हेलो, हम आ गए हैं पटना से। और पटना से आने के बाद 12 साल, लगभग 12:15 बज गया है और साल का तीसरा दिन है, यानी 3 जनवरी है। और ये हमारा बर्थडे है, जन्मदिन है आज हमारा। तो बीवी प्रिपरेशन करके रखी थी और छोटा सा केक बनाई है, छिटकु सा छिटकु सा। तो अभी हम केक काटेंगे। और वैसे ऑफिशियली मेरा बर्थडे 20 फरवरी को है, ठीक है? ऑफिशियली मतलब समझते हैं ना, सर्टिफिकेट पे। ऐसे ओरिजिनल बर्थडे 3 जनवरी है, तो थोड़ा सा ऑफिशियली और ओरिजिनल में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ओरिजिनली सर्टिफिकेट करते हैं फेसबुक पर तो 20 फरवरी है। तो चलिए हम केक मार्क काटते हैं। और थैंक यू फॉर दिस छिटकु सा केक। केक काटेंगे, थक बहुत गए हैं। और जो काम के लिए गए थे, मैंने बताया था आपको ब्लॉग में, तो वो काम लगभग अच्छा रहा, मीटिंग सफल रहा। तो हम चलिए, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। अच्छा, आपको उल्टा केक कर रहा है ना, केक देख केक देख। हाँ चलो चलिए, ये केक हाँ। कोई बड़ा बर्तन रखती ना। अरे नहीं, फिर साइज के हिसाब से ये ठीक था ना। चलो खा लो खा लो खा लो। नहीं है नहीं आपका बर्थडे, आप खा। ये रहा, हैप्पी बर्थडे। थैंक मोनी को खाना, मोनी को। यू। चलिए खा, तो और खा लेते हैं। कैसा बना है? अच्छा, थैंक यू बीबी, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। वेलकम। अब थक गए हैं, चले सोने के लिए। गुड नाइट, तवक्कल, मिलते हैं कल सुबह। हेलो जी हेलो। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बड़े छोटे सा कुछ करेंगी सलाम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है राजगौरव ब्लॉग। और मैं हूँ राजगौरव। और जैसा कि मैं ब्लॉग में पहले आप देख चुके हैं, जान चुके हैं कि आज मेरा बर्थडे है। तो बर्थडे के दिन एक तो पूजा और दूसरा गार्डनिंग, और गार्डनिंग ही हमारा पूजा है। सभी पौधों पर पानी दे रहे हैं और सभी को नहला रहे हैं पौधों को। कारण नहलाने का ये है कि जाड़े के दिनों में सभी पौधों पर गंदगी बहुत ज़्यादा बैठ जाती है, क्योंकि हवाएं चलती नहीं हैं तो उड़ पाती नहीं है, और न बारिश होती है जो धुल जाए। इसके कारण उसको धोना, उसको नहलाना बहुत आवश्यक है। अगर आप नहीं नहलाते हैं उसको, तो क्या होगा, वो अपना प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं कर पाएगी, और पेड़ को पौधों को सूखने का डर रहेगा। इसलिए समय समय पर उसको अच्छे तरह से एकदम नहलाएं। सभी पौधों को नहला दिए हैं, अब गाड़ी नहलाने की टाइम है। चलिए बाय, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। पसंद है टिक्की? देखिए टिक्की का प्रिपरेशन चल रहा है और धमकी मिल रहा है। टिक्की नहीं पसंद है, बताओ ये कोई बात हो गया? कैमरा ऑन है, जीते खाना नहीं मिला है। ये जो कौवा सुन रहा है ना, कौवा लगता है आज खाना देना भूल गए हैं, इसलिए ठीक है। जब तक खाना नहीं मिलता है, कहाँ 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 करेगा। तो खाना मिल जाएगा तो ठीक है, दे रहे हैं थोड़ा देर में। अब देखिए क्या कैसे करता है, क्या क्या क्या। ये देखिए एक और कौवा महाराज आ गए हैं। जब तक खाना नहीं मिलेगा, जब तक काँव काँव। ए ए ए ए ए ए ए खाना दे देते हैं, उसके बाद फिर ब्लॉग शूट करते हैं, नहीं तो ये तो कौवा लोग परेशान करेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये लो। आजा 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 आजा, क्या इज प्लेइंग फुटबॉल। ये आउटफिट गिफ्टेड बाय बीबी, और
वाइफ मतलब बीवी, बीवी मतलब वाइफ। और आज स्पेशल कुछ बना है और खा के हमें भी जाना है कुछ काम पे, तो देखिए हम दिखाते हैं। खीर जो कि मेरा फेवरेट है, और मटर की कचौड़ी और टिक्की चाट, इसको खाते हैं और थोड़ा फीडबैक देते हैं। वैसे मुंह में पानी आ रहा है, वाइफ खाना मेरी बहुत अच्छी बनाती है, कभी मौका मिले तो आइए खिलाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए बाबा हम खाना एंजॉय करते हैं और आप ब्लॉग एंजॉय कीजिए। रात के लगभग 8:30 बज चुके हैं और अभी जस्ट कुछ देर पहले आना हुआ हमारा गंगरसराय, जिस काम से गए थे। कहिएगा कितना काम, अलग अलग तरह के काम रहते हैं, थोड़ी सी परेशानी है, काम है, काम तो करते रहना चाहिए, काम निपटा के आए हैं। और उस एरिया में फिर जाएंगे तो उसका ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि एक बहुत सुंदर मंदिर दिखा, नहीं बना पाए, कुछ लोग ऐसे साथ में थे और समय भी नहीं था, नहीं तो मोबाइल से भी शूट कर लेते, समय नहीं था। तो बस अभी आए हैं और वाइफ बर्थडे की तैयारी, एक्चुअली बच्चे को भी पार्टी देनी थी, आज बच्चे को पार्टी नहीं दे पाए, तो बच्चे को पार्टी हम कल देंगे, उसका ब्लॉग में नेक्स्ट ब्लॉग में वो आएगा। और अभी वाइफ, मेरी वाइफ बीवी धर्मपत्नी फर्स्ट टाइम बिरयानी ट्राई की है, बनाई है, अब उसको खाएंगे। ये तो बोलो किस चीज का बिरयानी है? चिकन बिरयानी है, मटन बिरयानी नहीं, चिकन बिरयानी है। अब खाते हैं उसके बाद आपको हम बताते हैं। वाह क्या बात, लग ही नहीं रहा कि फर्स्ट टाइम बिरयानी ट्राई किया है। औसम, उम्दा, लाजवाब। अब खाना खा के फिर मिलते हैं, बाय। इसी के साथ आज का ब्लॉग हम एंड करते हैं, क्योंकि नींद काफ़ी आ रही है, काफ़ी थकान हो गया है, और काफ़ी अच्छा भोजन करने के उपरांत नींद ऐसे भी अच्छी आती है। तो चलिए गुड नाइट, सबा खैर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।